हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे निष्ठा होम किचन में स्वागत है। आज मैं कच्चे आम से खट्टी मीठी कैंडी बनाऊंगी। ये कैंडी बनाना बहुत ही आसान है और ये घर में आसानी से बन जाता है और इसको बड़े और बच्चे सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब गर्मियों के सीज़न स्टार्ट हो गए हैं, कच्ची कैरी आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। यदि आप को या वीडियो पसंद आए तो ये इसकी बिल्कुल मत करिएगा, और आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कच्ची कैरी लिया हुआ है और कच्ची कैरी को बारीक काट लिया हुआ है। ये इस कटोरी के अनुसार एक कटोरी शुगर लिया हुआ है और नींबू का रस लिया हुआ है कुछ ड्रॉप्स, और ये ऑप्शनल है, आप ले सकते हो। और ये भगोना लिया हुआ है और इसमें सबसे पहले हम कटी हुई कैरीज को इसके अंदर डालेंगे। ये कटी हुई कैरी इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं जो ये कटोरी में शुगर ली थी, ये शुगर इसी में ऐड कर दूंगी, और फिर इसके बाद नींबू का रस भी इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से चला के और इसको ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे, इसको पकने देंगे। अब शुगर को और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको ढक देंगे। और देखिए, यहाँ पर फिर से मैंने खोल के देखा है, देखिए सारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और मेल्ट होने के बाद इसको चला के हम इसको एक बर्तन से कवर्ड कर देंगे। हम इसको खोल के फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए, शुगर में कच्ची कैरी कितने अच्छे से पक रही है, और इसको चलाते हुए हम इसको पकाएंगे और इसको लगभग 25 से 30 मिनट खूब अच्छे से पकने देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और इसको हमने बीच बीच में चला के देखा है और ये देखिए कितनी अच्छी कैरी इसके अंदर पक रही है। और इसको अभी और पकाएंगे, क्योंकि अभी ये अच्छे से पकी नहीं है, तो इसको अभी थोड़ी देर तक और पकाएंगे। इसमें ये देखिए, जलाव यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा हो गया है और ये सिंगल तार का जलाव बन गया है। और इसको अब अच्छे से चला के चलाते हुए इसको थोड़ी देर और रखेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे और खट्टी मीठी बहुत टेस्टी कैंडी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, ये कैंडी बिल्कुल पक चुकी है और कितनी अच्छी कैंडी बन के तैयार हुई है, और देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, खट्टी मीठी कैंडी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये कच्चे आम से बनाया है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसको आसानी से हम घर पे बना लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता और आसानी से बन के तैयार हो जाता है। और इसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जेली टॉफ़ी का फ्लेवर आता है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। और फ्रेंड्स, आप भी इसको बना के एक बार ट्राई करिएगा, और यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि ये कच्ची कैरी की कैंडी कैसे बनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।